पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी के दोबारा सीएम बनने के बाद भी बंगाल में कुछ नहीं बदला, भ्रष्टाचार चरम पर है, वहीं हिंसा के दोषियों को सजा नहीं मिली है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने एक बार फिर साफ किया कि कोरोना के बाद सीएए लागू होकर रहेगा। वहीं ममता ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार सीएए कानून संसद में क्यों पारित नहीं करती। तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में फाय फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली सब्सिडी केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम लोगों को ऑप्शन देंगे कि बिजली सब्सिडी की आपको जरूरत है या नहीं। जो लोग नहीं चाहेंगे उन्हें बिजली की सब्सिडी नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने हमला किया। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से मुफ्त सब्सिडी मॉडल फेल हो गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी चंपावत से बीजेपी उम्मीदवारी घोषित किए गए। यहां 31 मई को चुनाव होने, 3 जून को मतगणना होगी। 4 मई को अधिसूचना जारी हो चुकी है। 11 मई तक नामांकन किए जा सकेंगे। उत्तराखंड का सीएम बने रहने के लिए धामी को 6 महीने के अंदर विधानसभा सदस्य बनना जरूरी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पॉलिटिक्स में एंट्री के संकेत दे दिए। पीके ने कहा है कि बिहार को नई सोच और प्रयासों की जरूरत है। पीके 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन बिहार के पश्चिमी चंपारण से पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। गुजरात के मेहसाना शहर की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बड़गाम के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और 9 अन्य लोगों को पुलिस की इजाजत के बिना रैली करने के मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट ने सभी को आईपीसी की धारा 143 के तहत 3 महीने की कैद और 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामला 2017 का है जब मेवाणी ने मेहसाना में बिना इजाजत रैली की थी। ऊना में कुछ दलितों की पिटाई के मामले को लेकर मेवाणी और उनके समर्थकों ने बनासकांठा जिले के धनेरा तक आजादी कूच का नेतृत्व किया था।